जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा वाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से अगर आप गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपकी शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो वो रुकावट दूर होगी। अगर आपका धन फंसा हुआ है तो वो धन फंसा हुआ जो है वापस आने के चांस रहेंगे। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो रुकावट दूर होगी। हर प्रकार की धन और संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो, हर समस्या का समाधान इस उपाय से होगा। दोस्तों, इस उपाय को जो है आपको गुरुवार के दिन करना है और तीन गुरुवार कर लो। 3 या 7 गुरुवार का नियम है, गुरुवार के गुरुवार करना है। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको गुरुवार के दिन स्नान आदि से शुद्ध हो जाते हैं। ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक दिन के समय कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 7 हल्दी की गांठें लेनी है, 7 गुड़ की दली और 7 आपको जो है फूलदार लौंग लेनी है। ये सभी सामग्री एकत्री कर लें, एक जगह इकट्ठी करके और इनके साथ में आप जो है एक पीले कपड़े का टुकड़ा लेना है छोटा सा, और उसमें ये सभी सामान बांध दें और साथ में 1 रुपए का सिक्का भी बांध दें। और ये बांध करके जो है भगवान के सामने बैठ कर के, अपने इष्ट देव के सामने बैठ के अपनी इच्छा मनोकामना 7 बार बोलें। 7 बार बोल करके अपने सिर से 7 बार घुमा करके किसी चौराहे पर फेंक के आ जाएं, जहां 4 तरफ रस्ते गए होते हैं चौराया कहते हैं, चौराहे पे एक तरफ डाल के आ जाएं, पीछे मुड़कर के ना देखें। ये आपको करना है। देखना, आप गुरुवार के दिन छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा।